काउंसिल के तरफा ये जो थिएटर फेस्टिवल सतों इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल मुनद किया वो है ये एक तमाम सुनो कदम है इन सुठी गाल आर्टिस्ट कम्युनिटी जो वही अपॉर्चुनिटी मिले थी टैलेंट दिखाने जो ड्रामा शेर और मौसीकियत से लबरेज आवाज़ में नाचते हुए गाते हुए अफराद की ख्याल अफरोज हरकत के सैले रवा का नाम है जिसके मुशाहदे से वजदान इंसानी में सर खुशी की अबदी चिराग जल उठी। यहाँ पर जो है 47 शोज होने वाले हैं, टॉक्स होने वाले हैं और काफ़ी कुछ होने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड जो कि आज से स्टार्ट है और 9 अक्टूबर तक है। कल्चरल इवेंट आए थे दुनिया जान जा आर्टिस्ट हैं वो जमा थे और ये खुशी जो माहौल है खुशी जो वक्त है और सिंध जो वहीं भी कल्चर जो गहवार हुआ कल्चर जो होता है वो रिवाइव जब भी होता है तो कौमें खड़ी होती है। थिएटर रूह है कमेंट्री का सोशल कमेंट्री का और इट्स फाइनेस्ट आर्ट का फॉर्म है तो हम तो बड़े खुश हैं कराची में ही हो रहा है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हमेशा लीड करता है हमें लीड कर रहा है तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। थिएटर हमारा टैंक स्टेज पर था आकर शाह साहब ने इसको उजागर कर दिया है और इसका दूर दूर तक मेरा ख्याल है डंका बजेगा और हम खुद थिएटर की पैदावार है हम इसको सराहते हैं और सल्यूट करते हैं शाह साहब को कि इतना बड़ा फेस्टिवल इन्होंने कर दिया। मैं समझता हूँ ये अहमद शाह साहब की बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तक है उसको मुझे लगता है हर साल होना चाहिए और मुझे लगता है थिएटर जो है वो अच्छी इतनी हेल्दी एंटरटेनमेंट है कि इसको हर बड़े जितने भी बड़े शहर हैं उनमें इनको होते रहना चाहिए। तो इससे बहुत सारे एक्टर्स टेक्नीशियंस बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें मिलेंगे और बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा काम करने का। दफ़ा तो उन्होंने कमाल किया है कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान नहीं बैरून मुल्क से भी लोगों को बुलाया है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसे थिएटर फेस्टिवल होते रहें ये हमारे मुल्क की बहुत ज़रूरत है और यहाँ के लोगों को काम करने का मौका भी मिलता है और कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज जो प्रोग्राम ॾाढो सुठो लॻो सभिनी सां मिली जुली करे ऐं ताज़ी थी वई ॼण को बि सभिनी सां मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे ऐं अहिड़ा प्रोग्राम थियणु घुरिजनि हिन इन वाले सां त ताकि मिली जुली करे ॾाढी ख़ुशी थिए थी हिन ॻाल्हि में। बहुत अच्छी फिज़ा आहे थिएटर को सपोर्ट मिल रही है और आर्ट्स काउंसिल जैसा बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा ये 20 दिन का ऑर्गेनाइज़ किया गया है मेरे हिसाब से जो आर्टिस्ट घर बैठे हुए हैं और जो नाउमीद हो चुके हैं उनके लिए एक बहुत मोटिवेशन वाली ये एक सीरीज़ है एक पूरा सीक्वेंस है 20 दिनों का। सिंध की जो हमारी तहजीब है ना ये 5000 साल से भी पुरानी है हम जहाँ रह रहे हैं हम सिंधी हैं और हम चाहते हैं कि सिंध बलूचिस्तान इसके जितनी भी ज़बानें और जितने भी कल्चर हैं उनकी खूबसूरत तरीन बातें रखें और उनमें जो ख़राबी हैं उनको ना दिखाया जाए उनको ख़त्म किया जाए क्योंकि तरक्की इसी का नाम है। तो ये आर्ट और कल्चर सेंटर के हवाले से सिंध 5000 साल पुरानी जो तहजीब है उसके जो अब अमीन हैं हम पाकिस्तानी हम पूरी दुनिया को इनवाइट किया है कि आप अपने थिएटर को लेके आएँ हमारा थिएटर देखें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हों आप जैसे नौजवान आगे आने वाले वक्तों में भागने की कोशिश ना करें। मैं डीनो अली आपके सामने मौजूद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल एक बहुत ही कमाल फेस्टिवल है। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं उन हालात में ये बहुत पॉजिटिव चीज़ हो रही है पाकिस्तान में और मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि ज़रूर आएँ इस थिएटर फेस्टिवल को देखें क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आए हुए। थिएटर फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है PTF 2023 ये स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर टिल 8 अक्टूबर और रोज़ आपको नए नए प्लेस देखने को मिलेंगे और यहाँ तक ये भी कि एक दिन में आपको 2 प्लेस भी देखने को मिलेंगे। तो मैं परफॉर्म कर रही हूँ 1 अक्टूबर को शाम भी थी धुआं 9 बजे तो आप लोग ज़रूर देखने हैं आपको टिकट वाला से भी मिल सकती है या ऑन द स्पॉट भी सो डोंट मिस एंड अप्रिशिएट आर्ट।